हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111 ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं आज वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है सो लेट्स सी सबसे पहले हमारे पास है एट ऑफ सोर्ड्स द लवर्स सेवन ऑफ सोर्ड्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड देन जजमेंट सो आई आई फील कि जैसे आप लोगों की नाराज़गी चल रही है या आपके पर्सन को ही फील हो रहा है कि आप उनसे नाराज़ हैं आप उन पर गुस्सा हैं मुझे एंगर की एनर्जी नज़र आ रही है और वो आपकी साइड से नज़र आ रही है वॉइस वर्सा भी हो सकता है हो सकता है आपके पर्सन आपसे नाराज़ हों बट ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है कि आप द व्यूअर आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं एंड आई फील के आपके पर्सन आपको मनाना चाहते हैं बट दे डोंट नो कि कैसे मनाऊँ यू नो मे बी वो इतने अच्छे नहीं हैं मनाने के हवाले से मे बी उनको नहीं समटाइम्स समझ में आता वो मे भी पैनिक हो जाते हैं उन्हें नहीं समझ में आता कि आपको कैसे मनाना है सो so, इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं स्टक नज़र आ रहे हैं अपनी थाट्स में और वो ये सोच रहे हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं आप उनसे आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए एंड आई फ़ील कि आ, ये इंसान इस वक्त खामोश हैं कुछ भी नहीं आपसे कह रहे हैं एंड आई फील कि ये चीज़ आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती होगी और ज़्यादा आपको गुस्सा दिलाती होगी कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं और आपसे कम्यूनिकेट सही तरह से क्यों नहीं कर रहे हैं और एक मेन चीज़ जो यहाँ पर नजर आ रही है वो ये कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बट आप दोनों बहुत ज़्यादा मे बी डिफ़रेंट हैं डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान डिफरेंट इस सेंस में हो सकते हैं कि ज़ाहिर है कि आपकी नज़र में प्यार की डेफिनेशन डिफरेंट है उनकी नज़र में डिफ़रेंट है सो so, शायद इस वजह से आप दोनों समटाइम्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो समटाइम्स वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं आपके लिए और इस पर आपको शायद गु़स्सा आ जाता होगा सो लेट्स सी कि ये किस थॉट में स्टक हैं ये क्या स्टक एनर्जी है ये एट ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है किंग ऑफ वॉर्न सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके ऊपर स्टक हैं दे रियली लव यू बहुत पैशनेट हैं आपके लिए um, आप ये भी कह लेंगे आपके लिए पोजिश भी बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं वैन इट कम्स टू यू सो आई रियली फील ए लॉट ऑफ पैशन बहुत इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में आई फील के जब आपकी फ़ाइट होगी तो इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस होंगे uh, बड़ी इंटेंस फाइट हो जाती होगी बट प्यार भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये प्यार की फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं आप लोगों so really के कनेक्शन में सो आई रियली फ़ील के दिस इज़ एन इंटेंस कनेक्शन सो ये इंसान आपके लिए बड़ा इंटेंस पैशन महसूस करते हैं दे गो क्रेज़ी वजह वह आपके बारे में सोचते हैं सो आई रीली फ़ील कि ये इंसान आपसे बहुत डीपली कनेक्टिड हैं बहुत डीपली आपसे प्यार करते हैं बट दे रियली डोंट नो समाइम्स कि उन्होंने रिएक्ट कैसे करना है या आपको मनाना कैसे है मे बी इंसान थोड़े से इम्पलसिव भी हैं uh, समझ में नहीं आता उन्हें कि क्या कहना है क्या नहीं यू नो सो लेट्स सी वो हाइड क्या कर रहे हैं इस वक्त आपसे विद दिस सेवन ऑफ सोल्स वट आर दे हाइडिंग वाओ वी हैव सन अगेन आई आई रियली फील कि ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए और बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में सो so ये अपना प्यार आपसे अभी छुपा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न दे रियली लव यू आप उनकी हैप्पीनेस हैं बट वो अभी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं अपना प्यार एंड मे बी ये भी हो सकता है कि वो आपको मनाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं कुछ उन्होंने प्लान किया है आपके लिए जो वो आपसे छुपा रहे हैं दे रेली वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी विथ दिस सन कार्ड Uh, और उन्होंने शायद कुछ प्लान किया है आपको खुश करने के लिए बट वो अभी आपको बता नहीं रहे हैं कि उन्होंने क्या प्लान किया मे बी वो आपको सरप्राइज कोई देना चाहते हैं सो लेट्स सी कि ये जजमेंट कार्ड क्या है ये क्या रियलाइजेशन है वी हैव टू ऑफ वॉन्ट्स सो मे बी आपके पर्सन ने यस uh, yes, कुछ प्लान भी किया है कोई कुछ डिसीजन भी लिया है कुछ डिसाइड किया है उन्होंने uh, कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है मे बी ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था आप दोनों के लिए जो उन्होंने लिया है मे uh, बी उन्होंने आपके साथ ट्रैवल करने के बारे में सोचा है कुछ है बड़ा सरप्राइजिंग जो उन्होंने डिसाइड किया है आई फील कि इसमें एक्साइटमेंट है इसमें बड़ी हैप्पी एनर्जी भी है सो so ये इंसान काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में आप ही के ऊपर स्टक हैं आप ही के बारे में सोच रहे हैं कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए जो वो आपको नहीं बता रहे हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी करते हैं और पैशनेट भी हैं आपके लिए सो so, ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन लव यू बाय बाय